तो दोस्तों एवं हमारे दर्शक एवं व्यूअर्सगण, जो ये जितने सुपरस्टार घोड़े इस तंबू यानी रेवटी में बंधे हुए हैं, सभी घोड़े के मालिक से आप सभी को परिचय कराने चल रहा हूँ। आप हमारे साथ ऐसा ही बने रहें और इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहें। एक एक घोड़े से परिचय कराऊंगा और कहां कहां से घोड़े इस बाबा गोविंद शाह मेले में आए हुए हैं। और आपको बता दें तो यह मेला अम्बेडकर नगर जिला में लगा हुआ है 9 दिसंबर से, और घोड़ों का मेला हो सके तो रहेगा 20 दिसंबर तक के आसपास में। तो चलिए हम मिलते हैं सबसे पहले पंजाब मेल हॉर्स से, जो काफ़ी नाम चर्चित इस घोड़े का है और काफ़ी लाजवाब में यह घोड़ा स्पीड में चलता है। और इधर आप देख रहे हैं तूफान घोड़ा है, जो फैजाबाद का सेकंड विजेता हुआ है 2 साल पहले। इधर आप देख रहे हैं पंजाब मेल, इस ओनर से मिल रहे हैं कि यह घोड़ा कहां से आया है और कितने दिन से है और कितना रेस फाइट किया हुआ है। और एक घोड़ा इधर आप देख रहे हैं, काफ़ी लाजवाब घोड़ा है अभी। चलिए हम इस घोड़े के ओनर से अभी हम बातचीत करते हैं और घोड़े के बारे में विशेष जानकारी आप सभी को बताते हैं। तो भैया जी, आपका हमारे यूपी रेस चैनल में स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने घोड़े के बारे में विशेष जानकारी हमारे दर्शक को बताइए कि आप इस बाबा गोविंद शाह के मेले में कहाँ से लेकर घोड़े आए हुए हैं। जी, मेरा नाम आशु सिंह है जी, मैं गोविंदपुर अतरौली आजमगढ़ से जी आजमगढ़ का रहने वाला हूँ जी। जी, ये घोड़ा हम पंजाब से लाए थे जी, जालंधर पंजाब जी। इस घोड़े का नाम यहाँ सामने दिखाई दे रहा है, पंजाब मेल। इस घोड़े का मतलब खरीदने का क्या मतलब विचार बना कि यह घोड़ा पंजाब मेल से प्रसिद्ध हुआ और आपके यहाँ, और यह घोड़ा में क्या खूबियाँ दिखी? जी, ये सिंधी चलता है, इस वजह से रेस लड़ने के लिए इसको लाए थे हम लोग जी। इससे अभी एक दो रेस लड़े नहीं है, अभी तैयारी कर रहे हैं इसके जी, तैयार करके फिर रेस में उतारेंगे इसको। लमसम कितना उम्र का होगा यह घोड़ा? और थोड़ा सा पीछे आपको जाइए, 4.5 साल का। इस घोड़े पर घोड़सवारी कौन सवार कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक सिर्फ वीरेंद्र सिंह सवारी। वीरेंद्र सिंह, क्या आपको घोड़े में और घोड़सवार में तालमेल देखने के लिए मिलता है? बहुत अच्छा तालमेल मिल रहा है इसमें, बहुत अच्छा। ये समझ में आ रहा है कि घोड़ा अगर कहीं रेस मतलब लड़ाया जाए इसको चेतक प्रतियोगिता में, तो क्या प्रतिभागी बन सकता है? एकदम बन सकता है। तो क्या उम्मीद है इस घोड़े से आगे आपको? अब उम्मीद क्या, गोविंद साहब बाबा का आशीर्वाद रहेगा तो रेस लड़ेंगे और जीतेंगे जी। जी, आपके पास 2 घोड़े हैं, ये घोड़ा मतलब किसके नाम से दोनों प्रसिद्ध थे? ये घोड़ा हमारे स्वर्गीय नाना श्री लालजी सिंह जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी के नाम, उन्होंने ही खरीदा था ये घोड़ा जी। हम चाहेंगे कि आप उनके जो लड़के हैं उनका नाम बताइए। बड़े वाले जो हैं श्री अजय कुमार सिंह जी, आप कर अधिकारी थे गाजीपुर में जी, और छोटे वाले हैं शैलेश प्रताप सिंह और पिंकू सिंह जी। एक घोड़ा आपके पास और खड़ा है, थोड़ा उस घोड़े के बारे में हमारे दर्शक को जानकारी बताइए। वो घोड़ा इस समय उम्र में क्या है और कौन सा चलावा में चलता है? ये मुस्की है जी, ये उसकी उम्र 2 दांत है, अभी 2 दांत है जी, ये चौताला चलता है। इसकी हाइट लमसम हम देख रहे हैं तो काफ़ी है, कितना इंच में होगा ये घोड़ा? 61। कौन सा चलावा में चलता है घोड़ा? चौताला चलता है। हमें भी इस वीडियो में पूछना चाहेंगे और अपने दर्शक को बताना चाहेंगे, क्या आप अपने घोड़े को सेल में भी रखे हैं या ऐसे शौक के लिए रखे हैं? मतलब यहाँ मेला में अगर कोई व्यापार आए लेने के लिए जी, तो क्या आप सेल कर सकते हैं? जी, कर सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर कोई अगर खरीदार न आ पाए, अगर ये घोड़े को लेना चाहे तो कैसे संपर्क करेगा? घर से भी आके ले सकते। तो आप अपना नंबर बताइए हमारे दर्शक को। 9450-14-0092 जी। कुछ दाम प्राइस बताएंगे दोनों घोड़े का? अब दाम प्राइस जैसे सर ये 3-25 का हमारा खरीद है जी, तो आप कहाँ तक पाएंगे तो आप सेल कर देंगे? तो जब आएंगे जिसको लेना होगा तो वो बात कर किया जाएगा। लमसम इस घोड़े की स्पीड कितनी होगी? ये 35-36 चलता है। 35-36 चल जाता है, कायम चौताला। कायम चौताला 35। इस घोड़े के बारे में 2 दिन पहले हम सुने थे कि काफी इसका जो बाप था बहुत लाजवाब चलता था, उसका कोई बिजोड़ नहीं था, कोई उसके टक्कर में घोड़े नहीं थे। नहीं नहीं, उसका ये बेटा है, उसी का बेटा। उम्मीद किया जाता है कि आने वाले समय में भी ये भी अच्छा चलेगा वैसा ही। इस समय उम्र में 2 दांत लगा हुआ। अच्छा, ये वाला? ये 4.5 साल का। अच्छा। दर्शक आप हमारे साथ बने रहे हैं, इस रेवटी यानी तंबू आप जिसे कह सकते हैं, इसमें कई घोड़े बांधे हुए हैं। हम सबसे मालिक से परिचय आप सभी को कराएंगे, आप हमारे साथ बने रहें और इस घोड़े के बारे में विशेष जानकारी। और आपको बता दें दर्शक कि यह घोड़ा पंचकल्याण, जो ब्लैक मुस्की बोला जाता है,
आप इसमें भी अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा नस्ल का और कितनी हाइट है इस घोड़े का। अभी इस घोड़े के बारे में डिटेल से जानकारी इस हॉर्स ओनर से मिल जाएगा। तो भैया आप हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए। दीपक तिवारी नाम हमारा। जी कहाँ से इस घोड़े को इस मेला में लाए हुए हैं? जोरिया बाजार जी, जिला अम्बेडकर नगर से हूँ जी। लमसम इस घोड़े को आप अपने घर कितने मतलब वर्ष से रखे हुए हैं? महीने से? लगभग डेढ़ साल। डेढ़ साल से। कितना होगा उम्र में यह घोड़ा? ढाई साल उम्र है। अढ़ाई साल। अढ़ाई साल हो गया। इस समय क्या इसका मतलब चलाव का परफॉर्मेंस है? चौताला चलता है, 34-35 चल जाता है। बढ़िया घोड़ा चल जाता है। इस घोड़े पर घुड़सवारी मतलब ट्रेनिंग कौन सवार कर रहे हैं? वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह। इस घोड़े की हाइट लमसम कितनी होगी? 60 के आसपास से। क्या आप भी इस घोड़े को सेल कर रहे हैं, बिक्री में रखे हुए हैं? अभी तो फिलहाल नहीं, लेकिन अगर जैसे जो भी रहेगा तो जी आगे देखा जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक। और इस तम्बू में आप घोड़े देख रहे हैं, काफ़ी लाजवाब यहाँ पे बधे हुए हैं। हम एक एक कर घोड़े से दाम प्राइस सब कुछ पूछ कर बताएंगे। आप हमारे इस वीडियो में बने रहें और लास्ट तक इस वीडियो में देखते रहें। काफ़ी लाजवाब इस बाबा गोविंद शाह के आश्रम में सभी घोड़े आए हुए हैं अपना जलवा और परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो दर्शक चलिए इस घोड़े के मालिक से मिल रहे हैं। ये घोड़ा आज फील्ड पे काफ़ी लाजवाब में चल रहा था। चाचा जी आपका हमारे ई पी रेस चैनल में स्वागत है, और आप हमारे दर्शक को अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं, अपना एड्रेस पता बताइए। हमारा घर जो है परमेश्वरपुर है जी, और हम परमेश्वरपुर के प्रधान है। ये घोड़ा हमारा जी राजस्थान से आया है जी। हाँ, कितना दिन हो गया आपके घर इस घोड़े को? घोड़े को पौने दूसरा साल चल रहा है। दूसरा साल जी, बच्चा आया था जी। इस समय लमसम उम्र में क्या होगा यह घोड़ा? मान के चलिए कि ढाई साल। ढाई साल जी जी जी। अच्छा, क्या यह घोड़ा अपना चलावा कौन सा चलता है? चौताला। चौताला एकदम साफ सुथरा चलता है। बहुत बढ़िया। लमसम इसकी स्पीड क्या होगी इस समय? अभी समझ लें कि 30-32 तो है। आप भी इस घोड़े को सेल कर रहे हैं, बिक्री में रखे हुए हैं? अगर कोई ग्राहक मिल गया बढ़िया तो सेल कर देंगे। अपना नंबर बताइए हमारे दर्शक को। 6393 जी 5162 जी। थोड़ा इस घोड़े के बारे में बताइए, ये थोड़ा सा यहाँ पकड़िए, कौन सा यह नस्ल का घोड़ा है? ये बलुतरा है जी जी। रंग कौन सा में आएगा इसका? ये रंग सफ़ेद है, थोड़ा काला करके। काला अभिलक में आ सकता है, संजाब में भी जी जी। नहीं पूरा अभिलक नहीं। हाइट कितनी होगी इस घोड़े की? इस घोड़े की हाइट समझ लीजिए 6.5 बीता है। हाँ हाँ, 57-58 इंच के करीब में है जी जी। क्या आगे इस घोड़े से उम्मीद है, बढ़ेगा कि नहीं? अभी घोड़ा कम से कम 4 अंगुल बढ़ेगा। अपना चाल बढ़ाएगा कि ना स्पीड? चाल तो बहुत बढ़ेगा। अच्छा अच्छा, उस घोड़े के मालिक कौन है? बाऊ सर। और दर्शक इधर आप देख रहे हैं, घोड़ा और है पचकल्याण, शायद मुस्की में भी आएगा। नहीं, दो पैर सफ़ेद है, सॉरी। और आप देख रहे हैं कि माथ पे टीका है। आप अपने घोड़े के पास चलिए वहाँ से। कहाँ से इस घोड़े को आप लिए थे? मेले से लिया था जी। कितना मतलब एक साल पहले लिए थे कि या? हाँ, एक साल पहले। इस समय ये उम्र में क्या होगा घोड़ा? करीबन 3 साल होगा, 3-4 साल जी। क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? भवानीपुर अतरौलिया जी। आप भी सेल कर रहे हैं क्या इसको? जी। अच्छा, क्या इसका दाम प्राइस रखे हुए हैं? इसका 1 लाख। 1 लाख रुपये जी। अच्छा, क्या चलता है चलावा में? चलावा में 30-32 चलता है। चौताल चलता है? चलता है। अच्छा, चौताला चलता है। चलिए ठीक है। और दर्शक इधर भी आप देख सकते हैं, एक घोड़ा या पचकल्याण कुंभैत है जो सिंधी चलावे में चलता है, अभी बच्चा है नाकंद। और इधर भी आप देख रहे हैं काफ़ी लाजवाब काला अभिलक घोड़ा है। और हर घोड़े को आपको दिखाएंगे इसमें, आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें। दर्शक ये घोड़ा है मदिया पार संतोष ब्लॉक प्रमुख जी का, जो 2 साल पहले फैजाबाद सेकेंड हुआ था। ये घोड़ा आप देख रहे हैं, यह घोड़ा पहले था रोमा सेठ पटना के रहने वाले का, और यहाँ पे भी आया तो अपना झंडा लहराया इस गोविंद शाह मेला में। और आपको बता दें तो यहाँ पे भी शील्ड फर्स्ट उठाया, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया और रेस नहीं हुई। इस साल भी कम चांस दिख रहा है, और ये भी घोड़ा सेल में है। और हम कमेंट बॉक्स में इस ओनर का नंबर दे देंगे, आप बातचीत कर सकते हैं। काफ़ी अभी अच्छा लाजवाब घोड़ा चलता है। और इधर भी एक घोड़ा आप देख रहे हैं,
बहुत ही अच्छे नस्ल में और काफ़ी खूबसूरत सिंधी ब्रीड का यह घोड़ा है, अभी नाकंद बच्चा है। और आप देख रहे हैं कितना फुल तैयारी इस घोड़े के साथ बनाए हुए हैं इस घोड़े के ओनर। उम्मीद करते हैं कि आगे तक ऐसा ही आपको हम वीडियो बना कर देते रहेंगे, हर एक घोड़े से आप हमारे साथ ऐसा ही बने रहें और हर एक घोड़े का क्लिक वीडियो देखते रहें। आप देख रहे हैं कितना बढ़िया लंबा चौड़ा में शमियाना लगाया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं घोड़े देखने के लिए और मनोबल घुड़सवारों का बहुत ऊपर रहता है। और यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं आपकी अपना रिहर्सल कर रहे हैं और बैठकर आपसी में राय मशायरा आपसी में सब लोग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार, आपके कहें तो पूरे या हमारे हिंदुस्तान में तक जाकर घुड़सवारी कर चुके हैं। अगले वीडियो में इनसे हम आप सभी को मिलाएँगे, आप हमारे साथ बने रहें।